सितंबर के महीने में हम कौन कौन सी सब्जियां उगाने वाले हैं, और आप भी सितंबर के महीने में सर्दियों की सब्जियां उगा दीजिए इस महीने में। तो मज़ेदार सी वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी 17 सब्जियां जो आप सितंबर के महीने में उगा सकते हैं। तो आज 3 सितंबर 2024 है, तो मज़ेदार सी वीडियो है। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंतज़ार के। तो जैसा कि 15 सितंबर से सर्दियों की सब्जियों का लगाने का टाइम शुरू हो जाएगा, तो आप अभी से ही कुछ सब्जियों की पनीरियां लगा दीजिए ताकि वो अक्टूबर के महीने तक उनकी पनीरियां तैयार हो जाएं। तो सबसे पहले अगर कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनकी पनीरियां लगती हैं, फिर इन पनीरियों को बड़े बड़े गमलों में ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो सबसे पहले है हमारे पास टोमेटो, मतलब टमाटर। टमाटर की पहली मतलब पहले इसकी पनीरी लगती है छोटे छोटे गमलों में, जैसे ऐसे गमला आपको लेना पड़ेगा, फिर इन छोटे छोटे पनीरी को बड़े बड़े गमलों में ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। सॉयल आपको 60% गार्डन सॉयल लेना पड़ेगा, और 20% कोकोपीट और 20% कंपोस्ट। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप 60% गार्डन सॉयल और 40% गाय की गोबर जो सड़ा हुआ हो, डिकम्पोज हुआ हो, वो ही आप इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ साथ उसके बाद कैप्सिकम आता है, मतलब शिमला मिर्च। देख सकते हैं हमारे शिमला मिर्च के पौधे हैं, शिमला मिर्च को भी आप इसकी पहले पनीरियाँ लगाएं, 15 सितंबर तक इनकी पनीरें लगा दें, फिर इन पनीरियों को बड़े बड़े गमलों में आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। शिमला मिर्च के साथ साथ आप चिल्ली लगा सकते हैं, ग्रीन चिल्ली लॉन्ग, मतलब इसकी भी पहले पनीरी लगती है, फिर पनीरी को बड़े बड़े गमलों में ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। फिर चिल्ली के साथ साथ आप अभी सर्दी की सब्जियां आ गई हैं, जैसे हमारे पास हो गया कॉलीफ्लावर, मतलब फूल गोभी, कॉलीफ्लावर फूल गोभी, इसकी भी पहले पनीरी लगा दीजिए, फिर पनीरी को बड़े बड़े गमलों में आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ है आपका कैबेज, मतलब पत्ता गोभी, ये इसके पत्ते होते हैं जो आप सलाद के तौर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्ता गोभी मतलब कैबेज, मतलब इसकी भी पहले पनीरी लगती है, पनीरी छोटे छोटे गमलों में आप लगा दीजिए ताकि ये छोटे छोटे सैम्पलिंग्स होते हैं, सैम्पलिंग्स को बड़े गमलों में ट्रांसप्लांट करना होता है। तो उसके साथ साथ है ब्रोकली, ब्रोकली F1 जनरेशन इन्फिनिट ग्रीन, दरा शॉप से लिया है हमने ब्रोकली, भी इसके पहले पनीरी लगती है, पनीरी को बड़े बड़े गमलों में ट्रांसप्लांट करना होता है। ये 5 से 6 सब्जियां थी। इसके साथ आप बैंगन भी लगा सकते हैं, बैंगन का भी आप टाइम है, बैंगन गोल बैंगन होता है, एक बड़ा बैंगन होता है, दोनों किस्म आपकी मर्जी है, जो भी लगाएं या दोनों लगाएं, एक या एक एक लगा कर देखें, उसका भी आप लगा सकते हैं। ये 5 से 6 सब्जियां थी जो आप इनकी पनीरें लगाएंगे, फिर इन पनीरी को बड़े बड़े गमलों में ट्रांसप्लांट करना होता है। तो ये 5 से 6 सब्जियां थी, और उसके साथ साथ ऐसी सब्जियां हैं जो हर्ब्स की तौर तो इस्तेमाल करते हैं, पर उनको एक बार काटेंगे तो वो दूसरी बार भी उग कर आएंगे, मतलब उनके लिए बड़े बड़े गमले नहीं चाहिए, उनके लिए छोटे साइज़ के गमले चाहिए, तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यूज़ होंगे। तो उसके साथ साथ हर्ब्स में हमारे आते हैं, पहले आता है हमारा पालक, पालक की सब्ज़ी है, देख सकते हैं ये पालक, इसके ये हर्ब्स में आता है, इसके लिए बड़ा गमला नहीं चाहिए, छोटे छोटे गमलों में ये उग जाता है, और इसको 3 से 4 बार हम इसको हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। स्पिनच के साथ साथ कोरिएंडर, मतलब धनिया, ये भी हर्ब्स के उसमें आता है, कैटेगरी में आता है, इसको भी आप 3 से 4 बार हार्वेस्ट करते रहेंगे तो ये सारी जो सर्दी का सीज़न है वो उससे निकल जाएगा। कोरिएंडर के साथ साथ मस्टर्ड ग्रीन, मतलब साग के पत्ते, ये भी आप हर्ब्स के तौर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इनको भी छोटे छोटे गमलों में इनको लगा दीजिए और इनको 3 से 4 बार इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ है लेटियस ग्रीन, सलाद का पत्ता, ये भी हर्ब्स के कैटेगरी में आता है, और इसको भी आप छोटे छोटे गमलों में लगा दीजिए और इसको 3 से 4 बार इसको इस्तेमाल कीजिए, और फिर से ही इसको काट दीजिए और सारी मतलब विंटर्स को इस्तेमाल कीजिए। और लास्ट में आता है हमारा कसूरी मेथी,
ये भी हर्ब्स के तौर इस्तेमाल होते हैं, इसको भी 3 से 4 बार आप इस्तेमाल करेंगे। फेनिग्रिक इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और मेथी इसको बोलते हैं उर्दू में। तो ये कसूरी मेथी जो आप एक हर्ब्स के तौर इस्तेमाल करते हैं। ये 5 से 6 सब्जियां थी जो हर्ब्स के तौर इस्तेमाल करते हैं, और 5 से 6 सब्जियां जो आप एक पनीरियां लगा दीजिए। और कुछ 5 से 6 सब्जियां ऐसे भी हैं जो ज़मीन के अंदर होती हैं, जैसे हमारे पास टर्निप हो गया, टर्निप शलजम हो गया, ये उसके अंदर होते हैं, ज़मीन के अंदर होते हैं। फिर ज़मीन के अंदर इसे फिर नया शलजम बनता है, फिर शलजम को आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। शलजम, टर्निप, टर्निप के साथ साथ रेडिश वाइट मतलब मूली, वाइट मूली, ये बड़ी बड़ी होती है, इसके लिए आपको 14x16 इंच का गमला लेना पड़ेगा या ग्रो बैग लेना पड़ेगा, फिर इसकी अच्छी ग्रोथ हो पाएगी। तो टर्निप, वाइट मूली के साथ साथ रेड कैरेट, गाजर भी, ये भी ज़मीन के अंदर होती है, इसको भी आप लगा सकते हैं। गाजर को भी 15 सितंबर के बाद लगा दीजिए। टर्निप के साथ साथ बीट रूट, चुकंदर, ये भी ज़मीन के अंदर होती है, चुकंदर भी ये ज़मीन के अंदर होती है, इसको भी आप 15 सितंबर के बाद लगा सकते हैं। उसके साथ साथ है हमारा रेडिश राउंड लाल मूली, इसको भी आप ज़मीन के अंदर लगा सकते हैं, ज़मीन के अंदर ही हो जाती है, फिर ही आप इसको अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। ये 16 से 17 सब्जियां थी। उसके साथ आखिरी सब्ज़ी है हमारे पास मटर की सब्ज़ी, इसकी पहले पनीरी भी लगती है, जो आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। मटर की सब्ज़ी ये भी सर्दियों के दिनों में लगाई जाती है। ये 16 से 17 सब्जियां थी जो आप सर्दी के दिनों में लगा सकते हैं। इसके लिए आपको अच्छी सॉइल बनानी होगी, सॉइल के साथ साथ इसकी अच्छी ग्रो बैग भी अच्छी होनी चाहिए, फिर ही इसके अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे और फिर ही आप इसके अच्छे प्रोडक्ट उठा पाएंगे। तो छोटी सी वीडियो थी सर्दियों के सब्जियों के बारे में, और कौन सी सब्जियां और थोड़े से टिप्स आपको बता दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमारे स्टेप टू द नेचर के चैनल को। अल्लाह ताला आपको सारी नेमत अदा करें, अल्लाह ताला आपको दुखों और बीमारी से बचाए। अगर ज़िंदगी रही तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।